दोस्तों आपने कभी ना कभी तो किशमिश ज़रूर खाए होंगे, तब तो आप ये भी जानते होंगे इसका स्वाद कितना ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं अगर आप रोज़ाना एक मुट्ठी किशमिश खाते हैं तो क्या हो सकता है? नहीं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि अगर आप रोज़ाना एक मुट्ठी किशमिश खा लेते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कितने फ़ायदे हो सकते हैं। दोस्तों ये तो आप सब जानते होंगे कि सभी ड्राई फ्रूट्स में से किशमिश सबसे ज़्यादा सस्ता होता है और सस्ते होने के साथ से बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और टेस्टी तो होता ही है। तो रोज़ाना किशमिश खाने से आपको कई फ़ायदे होते हैं, इसलिए आपको किशमिश को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों रोज़ाना एक मुट्ठी किशमिश खाने से आप कई सारी बीमारियों से बचते हैं, प्लस जो बीमारियाँ हैं वो भी जल्दी खत्म हो जाती हैं, क्योंकि किशमिश में एक साथ कई सारे पोषक तत्व होते हैं। जैसे किशमिश में आयरन, प्रोटीन, फास्फोरस, फाइबर, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी जैसे कमाल के ढेरों पोषक तत्व होते हैं। तो दोस्तों अगर आप रोज़ाना सिर्फ एक मुट्ठी किशमिश खाते हैं तो आपके शरीर को ये सारे पोषक तत्व मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से आपके शरीर में इन पोषक तत्वों की कभी कमी नहीं रहती है। जैसे कभी होता है ना, किसी के शरीर में आयरन की कमी, किसी के शरीर में प्रोटीन की, किसी के शरीर में कैल्शियम की, तो ये सारी चीज़ें तो इस किशमिश में होती ही हैं ढेर सारी मात्रा में। तो अगर आप ये कंज्यूम करते हैं रोज़ाना एक मुट्ठी, तो आपको कभी आयरन की कमी नहीं रहेगी, प्रोटीन की कमी नहीं रहेगी, कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों कहने का मतलब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल है कि ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में रहेंगे तो आपको कभी भी इन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी नहीं होगी। तो अगर आपको इन न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी आपके शरीर में नहीं होगी तो आपको ये जो भी प्रॉब्लम होती है ना न्यूट्रिएंट्स की वजह से, जैसे किसी को खून की कमी है, किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हैं, किसी के बाल बहुत झड़ रहे हैं, किसी को स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, कोई अपने स्किन पर दाग धब्बे को लेकर परेशान है, पिगमेंटेशन को लेकर परेशान है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं चाहे बालों को लेकर, चाहे स्किन को लेकर, चाहे हेल्थ को लेकर, ये सारी किसी न किसी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से ही होती हैं। तो दोस्तों अगर आप किसी भी रूप में कोई भी पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ें खाते हैं जिससे आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे, तो आपको कभी भी इन न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप डेली बेसिस में किशमिश का सेवन करते हैं तो आपकी इम्यून पावर है वो मजबूत होगी, क्योंकि दोस्तों जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि किशमिश में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, तो इससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत मजबूत होती है, और इतनी मजबूत होती है कि आपको कोई बीमारी जल्दी छू नहीं पाती, बीमारी आपसे कोसों दूर रहती है। अगर कोई बीमारी, कोई परेशानी है तो वो भी आपकी जल्दी दूर हो जाती है। जैसे कि जिससे आप में से कुछ लोग होंगे जिनको कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की समस्या से परेशान होंगे, अगर हैं तो आपको किशमिश खाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एक बार में अगर आप एक मुट्ठी भर किशमिश खाते हैं, देखिए आपको इतना फ़ायदा होगा ना कि आप रोज़ाना किशमिश खाना शुरू कर दोगे। और अगर आपने शुरू कर दिया किशमिश खाना तो ये कब्ज़ नामक ये जो समस्या है ये काफ़ी दूर हो जाएगी आपसे। और किशमिश खाने का जो दूसरा फ़ायदा है वो है आपकी हड्डियों के लिए। जी हड्डियों के लिए, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि किशमिश में कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, तो रोज़ाना किशमिश खाने से आपकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। अगर हड्डियाँ मजबूत होंगी तो हड्डियों से जुड़ी परेशानी कभी आपको होगी नहीं। जैसे किसी की हड्डियाँ बहुत कमज़ोर होती है, कैल्शियम की कमी की वजह से ही होती है, गठिया हो जाता है या फिर हड्डियों में बहुत दर्द रहता है, तो ये इस टाइप की जो भी हड्डियों से जुड़ी परेशानी होती है वो कभी आपको होगी नहीं। तो अगर है तो आपको किशमिश खाना शुरू कर देना चाहिए, तो हड्डियों से जुड़ी परेशानी आपसे दूर हो जाएगी। किशमिश खाने का जो तीसरा फ़ायदा है, आप में से जिन लोगों को अनीमिया यानी खून की कमी की शिकायत है, तो आपको तो रोज़ाना ये एक मुट्ठी किशमिश खाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि किशमिश में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो किशमिश में मौजूद आयरन लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करने में हेल्प करता है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ जाता है और शरीर में खून की कमी दूर होती है। तो रोज़ाना अगर आप किशमिश खाएंगे तो आपको कभी खून की कमी नहीं होगी, अगर है तो दूर हो जाएगी। किशमिश खाने का जो चौथा फ़ायदा है, जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उनके लिए, क्योंकि किशमिश में भरपूर मात्रा में पोटेशियम है तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। रोज़ाना अगर आप एक मुट्ठी किशमिश खाते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल रहेगा। नंबर पाँचवा फ़ायदा जो है किशमिश रोज़ाना खाने का, जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है या स्किन में दाग धब्बे, पिगमेंटेशन या झुर्रियाँ वगैरह की से संबंधित कोई भी समस्या है, तो आपको रोज़ाना किशमिश ज़रूर खाना चाहिए मुट्ठी भर। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि किशमिश में विटामिन सी है, विटामिन ई है, और ये दोनों पोषक तत्व आप जानते हैं हमारी स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद है, हमारे बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है। तो अगर आप किशमिश खाते हैं तो इससे आपके शरीर में जो विटामिन सी, विटामिन ई की डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, वो
प्रॉब्लम आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि किशमिश में ये दोनों पोषक तत्व हैं। तो ये पोषक तत्व आपके शरीर में जाएंगे तो आपके शरीर से ये पोषक तत्वों की कमी दूर होगी, जिसकी वजह से आपकी स्किन से संबंधित जो भी ये समस्या है ये तुरंत दूर होगी। साथ ही आपकी स्किन में बना रहेगा हमेशा एक प्यारा सा ग्लो, अगर आप रोज़ाना मुट्ठी भर किशमिश खाते हैं। रोज़ाना किशमिश खाने का छठा फ़ायदा है जिसके लिए अक्सर ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं, वो है हमारे खूबसूरत बाल। दोस्तों, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, झड़ते रहते हैं, गंजेपन का डर रहता है आपको, तो आपको रोज़ाना मुट्ठी भर किशमिश खाना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि किशमिश में विटामिन सी, विटामिन ई और सबसे खास बात, इसमें आयरन और प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन ई, ये पोषक तत्व हमारे मजबूत बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, घने बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, लंबे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है, काले बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, आपके सफ़ेद हो रहे हैं बाल, आपके बाल लंबे नहीं हो रहे, घने नहीं हो रहे, झड़ते जा रहे, गंजेपन का शिकायत, तो इसका मतलब आपके शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है, आयरन की कमी, विटामिन ई की कमी है। तो ये किशमिश अगर आप खाते हैं तो इसके ज़रिए आपके शरीर को पोषक तत्व तो मिलेंगे, जिससे आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे, नए बाल उगेंगे, घने होंगे और जो सफ़ेद बाल हैं वो भी काले होते जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप सच में झड़ते बालों से परेशान हैं, आप चाहते हैं आपके बाल घने हों, मजबूत हों, लंबे हों, तो आप एक मुट्ठी किशमिश का सेवन ज़रूर कीजिए, शुरू कर दीजिए। आपके जो बाल हैं आप ह्यूज डिफरेंस देख पाएंगे, क्योंकि किशमिश के ज़रिए आपके शरीर के अंदर विटामिन सी, ई, आयरन, प्रोटीन जैसे कमाल के पोषक तत्व मिलते रहेंगे। और जब ये पोषक तत्व आपके शरीर को मिलते रहेंगे तो अंदरूनी रूप से आपको कभी भी इन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं रहेगी, जिससे कि आपके बालों का झड़ना बंद होगा, आपके बाल मजबूत भी होंगे, घने भी होंगे, लंबे भी हो जाएंगे और बालों का तो झड़ना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। और अगर आप बच्चों को डेली किशमिश देते हैं तो बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अच्छा होता है। और अगर आप वज़न घटाना चाहते हैं, बढ़ते वज़न से परेशान हैं, तो आप भीगी हुई किशमिश खाइए, आपको वज़न घटाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों, ये सारे फ़ायदे होते हैं अगर आप रोज़ाना एक मुट्ठी किशमिश का सेवन करते हैं। किशमिश तो सबके घर में होते हैं, जिसे आप अक्सर नज़रअंदाज करते होंगे, तो इतनी कीमती चीज़ है ये आपके शरीर के लिए, इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। रोज़ाना एक मुट्ठी किशमिश ज़रूर खाइए और इसके फ़ायदे सुनकर कहीं आप दो दो तीन तीन मुट्ठी मत खाना, एक मुट्ठी काफ़ी है एक दिन के लिए। तो रोज़ाना खाना है, सिर्फ एक मुट्ठी खाना है। तो अगर आप रोज़ाना एक मुट्ठी किशमिश खाते हैं तो आप कितनी सारी समस्या से बच सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं, दवाइयों से बच सकते हैं। तो दवाई वगैरह के चक्कर में पड़ने से अच्छा है अगर आप घर पे रखी हुई ये छोटी सी चीज़ किशमिश रोज़ाना खाते हो, तो आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से आपको दवाई लेनी पड़ती है। तो आप ये किशमिश खाइए, आपको सारे न्यूट्रिएंट्स आपको मिलते रहेंगे, कोई न्यूट्रिएंट्स की आपको डेफिशिएंसी नहीं रहेगी और आप कितनी बीमारी से बचते भी हैं और आगे चलकर आपको कितने सारे फ़ायदे भी मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जिसमें आपने जाना कि रोज़ाना एक मुट्ठी किशमिश खाने से आपको कितने सारे फ़ायदे हो सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल नए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मैं मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अवेगिन नुस्खे, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, नमस्कार।